नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 57 सदस्यीय मंत्री परिषद ने शपथ ली। छत्तीसगढ़ से सरगुजा सांसद रेणुका सिंह राज्य मंत्री के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल। इंद्रावती नदी के संरक्षण और संवर्धन के लिए बनेगा विकास प्राधिकरण। बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक में मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और सरगुजा बस्तर संभाग और कोरबा जिले के स्थानीय निवासियों को जिला संवर्ग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती में मिलेगी छूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ दिलाई। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तबके सिवाय, जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। चौबीस लोगों को कैबिनेट मंत्री, नौ को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और अन्य को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। मंत्रिपरिषद में जिन लोगों को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई, उनमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, वीडी सदानंद गौड़ा, निर्मला सीतारमन, रामविलास पासवान, नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद, हरसिमरत कौर बादल, थावरचंद गहलोत, डॉ एस जयशंकर, डॉ रमेश पोखरियाल निशंक, अर्जुन मुंडा, स्मृति ईरानी, डॉ हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, मुख्तार अब्बास नकवी, प्रहलाद जोशी, महेंद्रनाथ पांडे, अरविंद सावंत, गिरिराज सिंह और गजेंद्र शेखावत शामिल हैं। राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में नरेंद्र मोदी ने देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। पिछली सरकार में मंत्री रहे कई सांसदों को दोबारा मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, जो पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं, उन्हें भी मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया। एनडीए के सहयोगी दलों में से लोक जनशक्ति पार्टी, शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल के सांसदों को सरकार में जगह मिली है। शपथ ग्रहण समारोह में बिम्स्टेक देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। छत्तीसगढ़ से सरगुजा क्षेत्र की सांसद रेणुका सिंह को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह मिली है।
रेणुका सिंह ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। उनके मंत्री बनने पर प्रदेश सहित सरगुजा क्षेत्र की जनता में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर और पटाखे फोड़कर अपनी खुशियों का इजहार किया। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा ने कहा कि ये खुशी की बात है कि सरगुजा की आदिवासी नेत्री को मंत्री पद से नवाजा गया है, जो पूरे प्रदेश में विकास का कार्य करेंगी। मोदी जी ने पूरे देश में प्रधानमंत्री की शपथ लिया है। उनके मंत्रिमंडल में हमारे सरगुजा जिला, सरगुजा संसदीय क्षेत्र से और खासकर सूरजपुर जिले से जो सांसद के रूप में श्रीमती रेणुका सिंह जी यहां से चुन के गई हैं और मोदी सरकार में शामिल हुई हैं, निश्चित है उनको भी बधाई देता हूं और प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व को भी बधाई देता हूं कि छत्तीसगढ़ को एक अवसर, आदिवासी नेतृत्व को अवसर मिला है। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अजय गोयल ने कहा कि सरगुजा के सम्मान में दूसरी बार यहां के सांसद को मंत्री बनाया जाना हम सब के लिए गौरव की बात है। ऐसे व्यक्तित्व का उदय हुआ है जिसने सरगुजा में काम करने की ठान ली। पहला व्यक्ति स्वर्गीय ललन सा जी थे जिनके एक नाम चलता था और आज दूसरा नाम श्रीमती रेणुका सिंह के रूप में प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि रेणुका सिंह दो बार विधायक और राज्य सरकार में मंत्री तथा सरगुजा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष के पद पर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। बस्तर की जीवनदायिनी इंद्रावती नदी के संरक्षण और संवर्धन के लिए इंद्रावती नदी विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर में कल आयोजित बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इंद्रावती नदी के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी नरवा गरवा घुरवा बारी योजना के तहत किए जा रहे नालों के संरक्षण के समान ही इंद्रावती नदी के संरक्षण के लिए व्यापक पैमाने पर कार्य करने की जरूरत बताई। श्री बघेल ने कहा कि इंद्रावती नदी के संरक्षण के लिए आवश्यक है कि इसकी सहायक नदियों और नालों का संरक्षण किया जाए और वहां वाटर रिचार्ज के लिए कार्य किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने बस्तर के युवाओं को सरकारी सेवा में अवसर देने के लिए कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के गठन की भी